जय साथियों, आज हम लोग गणित के सिलेबस की बात करो। गणित के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर गणित की बात करें और उसके पाठ्यक्रम की बात करें, इसके दो तरह के सिलेबस होते हैं। एक हिडन सिलेबस होता है जो हमेशा छुपा रहता है, एक सिलेबस होता है जो हमें दिखता है, जो हमारे सामने होता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर को ख्याल करना पड़ता है कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल परीक्षाओं में आ सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी तैयारी को भी आगे रख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर पेपर खंगालते हैं तो हमें एक अंतर मिलता है कि जब प्रश्नों की पूछा गया है और जो सिलेबस है उसमें एक डिफरेंस, एक अंतर देखने को मिलता है। आज हम उस अंतर को, उस गैप को खत्म करने का प्रयास करेंगे और हम ये जानने और पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम में, उसे हमें पूरा पढ़ना है और सिलेबस से बाहर भी जाकर गणित को पढ़ना है। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है आज इस वीडियो में, आज सेशन में हम पूरा चर्चा करेंगे और कोशिश करेगा आप भी साथ साथ सिलेबस को लिखते चलेगा और वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर हम गणित की बात करें, देखिए गणित एक ऐसा विषय है जिससे आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा अंक ला सकते हैं। लेकिन गणित में जब हम एक सर्वे करते हैं कि यार गणित कितना लोग का वीक है, कितने लोग का स्ट्रांग है, या कितने लोग को गणित में रुझान है, तो लगता है यार गणित से ज्यादातर लोग डरते हैं, ज्यादातर लोग भागते हैं। लेकिन जिनकी गणित स्ट्रांग होती है उनके अन्य सिलेबसों पर पकड़ अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम लोग इस गणित के सिलेबस पर पूरा पूरा फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, संख्यात्मक क्षमता, अगर संख्यात्मक क्षमता की बात की जाए, एक सिलेबस है आपका और साथ ही साथ इसमें, इसी सिलेबस में एक और पॉइंट होता है आपका संख्या पद्धति। तो जो ये दो टॉपिक है, यहां से आपके गणित में सवाल तो हर बार पूछे जाते हैं, मैंने कोई ऐसा बार नहीं है जहां सवाल ना पूछा गया। वैसे संख्या पद्धति के अंदर ही संख्यात्मक क्षमता आ जाती है। संख्यात्मक क्षमता अगर हम बात करें तो एक चीज आपके समझ में आती है, इसे जोड़ घटाना गुणा भाग, या ट्रिकी तरीके से अगर हम बात करें तो जो सरलीकरण का एक रूप होता है वो इससे मिला जुला होता है। संख्यात्मक मान में ही संख्या पद्धति की जैसे अगर हम बात करें तो एक तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वो संख्यात्मक क्षमता में, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद संख्या पद्धति में भी पढ़ते, मतलब हम जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं उसी का एक छुपा हुआ रूप होता है संख्यात्मक क्षमता। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपको गणित समझने में ये पहली सीढ़ी होती है और यह आपको प्रैक्टिस पर आएगा। दूसरा संख्या पद्धति, संख्यात्मक क्षमता अध्याय छोटा है, ये 2-3 लेक्चर में समाप्त हो सकता है, लेकिन संख्या पद्धति के लिए कम से कम आपको 6-7 या 8 लेक्चर भी अटेंड करने पड़ सकते हैं। माने 7-8 लेक्चर अटेंड करने के बाद ही आप इसको पढ़कर समझ पाएंगे और इसे पे अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। गणित जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा, उतना मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। अब संख्या पद्धति, संख्यात्मक क्षमता पढ़ने के बाद आप अपनी लड़ाई पूरी कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके साथ एक अध्याय है यहाँ पे जिसे हम सरलीकरण के नाम से जानते हैं, गणती संक्रियाएं, देखिए गलत टाइपिंग में इरर हो गया है यहाँ पे, गणती संक्रियाएं और सरलीकरण, मतलब 3 अध्याय को हमें एक साथ पढ़ना है। अगर हमें, अगर आपको पढ़ना होगा या मुझे कहा जाए कि सर जी अगर 3 अध्याय सबसे पहले हमें गणित में अगर पढ़ना है और अन्य अध्याय को समझना है, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि भैया सबसे पहले आप संख्यात्मक क्षमता पढ़ लीजिए और संख्या, उसके बाद संख्या पद्धति पर आइए, तीसरे पे गणती संक्रियाएं, गणती संक्रियाएं और यहाँ संक्रियाएं होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया, फिर सरलीकरण, मान इसकी हम बात करें तो ये हमारा तीसरे पर, ये हमारा तीसरे पर। तो इन 3 चीजों को हम सामान्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा सिलेबस लिखा होता है उसमें एक चीज लिखा होता है खाली, संख्या पद्धति। इसी संख्या पद्धति में हम इसको अध्ययन करना होता है, इसमें इकाई का मान ज्ञात करना है और बहुत सारे सवाल होते हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भाग के सवाल होते हैं जो घुमा के पूछते हैं और इसमें कुछ ट्रिक को भी सीखेंगे। और गणित इस लेवल पे आने के बाद आपको पूरी तरह से ट्रिकी गणित पर फोकस करना होगा और ट्रिकी गणित पे फोकस करने के लिए आपको भी हमारे साथ क्लास में बने रहना होगा। एक तो थ्योरी पढ़ना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ हम प्रश्नों के लेवल पे सॉल्व करेंगे, पहले सरल प्रश्न, फिर मीडियम टाइप के, फिर उससे कठिन प्रश्न, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। दूसरा जो अध्याय है आपके लिए वो होता है वर्गमूल और घनमूल। तो मतलब हमने अभी तक एक चीज तो क्लियर कर लिया कि अभी तक हमें जो और आपको जो पढ़ना था उनमें हम लोगों ने संख्या पद्धति को वरीयता दे दिया। अब दूसरा जो अध्याय है हमारा, उस अध्याय की बात करें तो वर्गमूल और घनमूल है। चाहे तो हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, वर्ग और घन एक साथ पढ़ लें और घन वर्गमूल और घनमूल एक साथ पढ़ लें। तो ये अध्याय 7-8 लेक्चर, क्योंकि इसमें भी पूरा ट्रिक पढ़ना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा 1 से लेकर 100 तक के आप वर्ग याद करें, 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। और घन की बात करें तो 1 से लेकर 30 तक का घन आपको एकदम रट जाना चाहिए, कम
कम से कम 30 तक का घन आपको रटा होना चाहिए। अगर आपने इतना रटा है तो आपको चाहे संख्या पद्धति हो, संख्यात्मक क्षमता हो, गणितीय संख्याएं हो, सरलीकरण हो, आप इस पे अपनी कमांड को मतलब इसमें आप और जल्दी सीख पाएंगे, आपका कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो पाएगा और वही आपके गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहम भी माना जाता है। आगे अगर हम देखें तो वर्ग और वर्गमूल ये पूरा ट्रिकी है और मैट्रिक से ही पूरा आपको पढ़ाऊंगा और आपको भी हमारे साथ पढ़ना ही होगा, साथ भी देना होगा। घन और घनमूल ये अध्याय वर्ग और वर्गमूल एक साथ पढ़ेंगे, घन और घनमूल एक साथ पढ़ेंगे। इसमें दशमलव वाले होंगे, सवाल वाले होंगे, कई तरह के सवाल होंगे और अगर आपके पास समय है तो आप हमारे साथ गणित पढ़ेगा, यकीनन बहुत मजा आएगा और गणित इतना सरल होता है ये आप कभी सोच नहीं सकते। इसी का संबंध होता है घात, घातांक और करणी, मतलब तीन अध्याय का जो आपस में संबंध है वो यही तीनों है, माने इन तीन अध्यायों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये तीन महत्वपूर्ण अध्याय हैं कौन कौन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात घातांक और करणी, माने इन तीनों अध्याय को एक साथ हमें पढ़ना, माने एक साथ इन्हें रख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन तीनों अध्याय को हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब जब आप पढ़ लेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घन घना सॉरी घातांक करणी, घात और वर्ग वर्गमूल, घन और घनमूल। और अगर ये आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल अगर समझ में आ गया तो ये अध्याय आपके लिए बेहद आसान हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें सवाल भी कर कहें तो अब आता है दशमलव। आप कहेंगे सर दशमलव किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देखिए दशमलव का जो संबंध है ना वो सभी अध्यायों से, जो दशमलव है इसका जो संबंध है ये सभी अध्याय से, अगर हम चाहे अर्थमेटिक की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, कहीं भी आप जाएंगे आपको दशमलव समझना होगा, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर आप इस लेवल पर रखकर गणित सीख रहे हैं तो कम से कम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, छोटा बड़ा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, भिन्न को दशमलव बदलना, दशमलव से भिन्न में बदलना, तो इतनी चीजें अगर आपकी समझ में आ गई है, कैसे हम पकड़ते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, या कैसे हम जल्दी से दशमलव की गुणा को कर लेते हैं, दशमलव को जोड़ को जोड़ लेते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका है तो आप दशमलव को समझ सकते हैं। उसके बाद लसा मसा की हम बात करते हैं, लसा मसा के बाद अगला जो चरण आएगा भिन्न की तरफ बढ़ेगा, माने दशमलव, लसा मसा और भिन्न ये तीन अध्याय आपको एक साथ पढ़ने होते हैं। और कोशिश करिएगा इसके बाद सरलीकरण पढ़ने, माने जो सरलीकरण है क्योंकि भिन्नों का भी सरलीकरण होता है, तो जो सरलीकरण है वो दशमलव, लसम से भिन्न पढ़ने के बाद लास्ट में इसके बाद भी हम सरलीकरण को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा ना, एक स्टेप आपका तैयार हो जाएगा और आपको अध्ययन अध्यापन करने में, गणित सीखने में जो डर है वो डर भी निकल जाएगा, क्योंकि गणित में जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, घर पे कई बार हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तब लगता है ये सवाल कहाँ था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे सॉल्व होगा। और कई बार गणित के सवाल आप सॉल्व भी कर पाते हैं, टाइम टेकन हो जाता है, आपका समय ज्यादा लगता है, और आपको ओवरऑल क्या करना है, समय बचाना है, समय आप बचाएंगे तभी आप गणित में बेहतर बड़ा स्कोर कर पाएंगे। तो ये अध्याय हम लोगों ने देख लिया, अब और आगे चलते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। भिन्न के बाद जो अगला हमारा चरण आपके लिए तैयार होता है वो है हमारा प्रतिशत। जब हम प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप हमारा तीन अध्याय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रतिशत सभी अध्यायों में आपको काम आने वाला है, लेकिन प्रतिशत अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाभानी समझ लेंगे, आप बट्टा समझ लेंगे, और इसी के साथ ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, माने प्रतिशत से अगर जुड़ा हुआ अध्याय बात करें तो अगर प्रतिशत हम आपको समझ में आ गया तो प्रतिशत से जुड़े कई अध्याय हैं, जैसे एक लाभ हानि हो गया, क्योंकि पूरा खेल इसमें प्रतिशत का है, लाभ हानि हो गया, फिर इसमें क्या हो गया आपका बट्टा हो गया, उसी के साथ आपका ब्याज हो गया। अब ब्याज में भी आपका दो हो गया, एक हो गया साधारण और दूसरा हो जाएगा चक्रवृद्धि। तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास समय, कुछ लोग कहेंगे सर मेरे सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज, खाली ब्याज लिखा है, तो देखिए जो सवाल पूछा जाएगा ना वो आपके लिए बहुत मैटर करता है कि यार हम कहां से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप साधारण पढ़ लीजिए, चक्रवृद्धि सवाल आ जाए, क्या कहेंगे आयोग को, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो अगर आपके सिलेबस में ब्याज लिख दिया है तो आपको हमें इन दोनों को पढ़ना। तो हम अगर आप प्रतिशत आपको समझ में आ गया, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं अगर मैं प्रतिशत पढ़ा दूंगा तो आप उंगलियों से परसेंटेज निकालना शुरू कर देंगे और कभी गणित में गलतियां नहीं करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो कोशिश भी करेंगे तो मैं शुरुआत ही अपनी प्रतिशत से ही करूंगा। अगर मैं प्रतिशत से पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको गणित धीरे धीरे आसान और रुझान भी आना शुरू हो जाएगा आपको गणित में।
तो ये ध्यान में देख लिया, लाभानी बट्टा और दोनों ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करते ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे अगर हम देखें गणित में कि एक दूसरे से ये संबंधित है पूरा। अब देखिए यहां पे कुछ चीज और चीजें देखिए, टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग पे दुर्गेश जुड़े रहेगा, जहां पर मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में और राष्ट्रीय में मिलती रहे। ये सभी क्लासेज भी मैं पढ़ाता हूँ आज गेस्ट के रूप में, इलेनी बुद्रगेश पर निशुल्क है सीरीज आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चीज आपको मिलेगा एकिक नियम। अगर मैं बात करूं एकिक नियम, अगर पूरी गणित आप पढ़ें तो एकिक नियम अपने आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने बिना समय गवाए। क्योंकि कुछ लोग को लगता है सर एकिक नियम मुझे अलग से पढ़ना है, आप पढ़ाइएगा मैं इसे तैयार करूंगा। एकिक नियम एकदम कॉन्सेप्ट पर, फिर आपने अनुपात समानुपात को पढ़ लिया, गणितीय संक्रियाएं समझ में आ गई आपको, परसेंटेज समझ में आ गया है। तो एकिक नियम बहुत, जैसे अगर 10 किलो का मूल्य 30 रुपया है तो 5 किलो का मूल्य क्या हो सकता है या 25 किलो का मूल्य क्या होगा, तो ये एकिक नियम की तरह सवाल होंगे। तो ये सारे अध्याय जो होते हैं वो एकिक नियम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए एकिक नियम के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये मैं आपको एक या दो लेक्चर में आपको आसानी से समझा बता और पढ़ा दूंगा। दूसरा जो आपके लिए आता है अनुपात और समानुपात, ये भी अध्याय आपको एक साथ पढ़ना है, माने अनुपात और समानुपात जो अध्याय है ये भी आपको एक साथ पढ़ना है। कुछ लोग कह रहे सर मुझे एनसीईआरटी की गणित अगर पढ़नी हो तो मैं कहां से पढ़ूं, तो एनसीईआरटी गणित पूरी 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की मैथ है, एनसीईआरटी मैथ, ये आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से 12 तक की सभी हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अब जब आपको अनुपात समानुपात समझ में आ जाएगा तो आप हम लोग मिश्रण भी पढ़ लेंगे, माने अनुपात समानुपात से सीधा संबंधित है आपका मिश्रण, तो आपको कम समय में ये ज्यादा चीजें आपको लेकर आके दे देगी। तो हमने एक बात और सीख लिया कि हम अनुपात समानुपात के साथ साथ हम मिश्रण को भी सीख सकते हैं, मिश्रण भी अपना फोकस कर सकते हैं, मिश्रण पर भी हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एक अध्याय आता है आपका औसत, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये भी एकिक नियम से अगर आपको समझ में आया, आपने औसत पढ़ लिया, एकिक नियम के भी ढेर सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, माने एक अध्याय दूसरे अध्याय से सीधा सीधा संबंधित और जुड़ा हो। इसलिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में, इस तरह के सवालों को हल करने में थोड़ी सी कठिनाई आपको बेशक होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाएंगे। एक और अगर बात करें तो यहां तक ये अध्याय एकिक नियम अनुपात समानुपात मिश्रण औसत ये एक दूसरे से आपस में संबंधित है, माने अगर हम इसे एक समूह बनाकर गणित सीखने का प्रयास करें तो इस समूह में आ जाता है। आप कहेंगे सर ये तो हमारे मिश्रण सिलेबस में नहीं था, तो ये हिडन, मतलब कई बार आता है सवाल और हम नहीं कर पाते, तो इसी बहाने हम इस चैप्टर के माध्यम से ये कर पाएंगे, समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है। और आगे हम बात करें, अब देखिए यहां पे काम समय, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कई बार ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रेगुलर पढ़ रहे हैं तो भैया काम समय को पढ़ना है। काम समय के साथ साथ चाल समय भी है, चाल समय और दूरी, जब चाल समय दूरी समझ में आएगी तो भैया रेलगाड़ी पढ़ना है, नदी और नाव पढ़ना है। तो माने ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। काम समय के साथ बात करें तो पानी टंकी किसके साथ हो जाएगा, अपने यहां पानी और टंकी, तो काम समय पानी टंकी एक तरह सॉल्व होंगे, माने अगर आपने ये अध्याय पढ़ लिया इसके सवाल आप बिना इसको पढ़े ही सॉल्व कर लेंगे, बिना इसको पढ़े हल कर लेंगे, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। दूसरे अगर हम बात करें चाल समय और दूरी, ये भी आप आसानी से कर पाएंगे, चाल समय और दूरी, चाल समय दूरी रेलगाड़ी और नदी और नाव, ये तीन अध्याय एक साथ कर पाएंगे, माने अगर एक अध्याय आपको समझ में आने लगा कॉन्सेप्ट, अगर एक अध्याय का आपने पकड़ लिया तो आप इन तीनों अध्याय को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। अगर मेरी क्लास पे रहेंगे तो इस बात की गारंटी लेता हूं इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं किसी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है। और आगे बात करें बीजगणित, ये बेचारा अकेले है, अगर मैं बीजगणित की बात करूं तो ये बेचारा अब अकेला पड़ गया है। जब ये अकेला पड़ गया है तो बीजगणित का देखिए कई बार गुणनखंड से सवाल आते हैं, बीजी व्यंजक से सवाल आते हैं, ये सरलीकरण में भी आता है, बीजगणित से भी एलसीएम एससीए पूछे जाते हैं, बीजगणित के जो सूत्र हैं उस सूत्रों का प्रयोग करके सरलीकरण सवाल आते हैं, संख्या पद्धति में सवाल आते हैं और इसके सूत्र भी आपको याद करने हैं, और बीजी व्यंजक के गुणनखंड भी आते हैं, द्विघात समीकरण के सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आए भी हैं कई बार नहीं भी हैं। तो बीजगणित का दायरा नहीं, बस बीजगणित को समझते चलना है, क्योंकि जहां हम यक्ष मान लेते हैं माना यक्ष, वहीं बीजगणित की शुरुआत हो जाती है, वहीं हम मानते हैं ये बीजगणित का देन है और पूरी गणित हम कहते हैं सला यक्ष पे है। तो मैं जब भी गणित पढ़ाऊंगा तो पूरी ट्रिकी मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरी ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो सारे अध्याय आपको सरल भी लगने लगेंगे। मैं और आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ, अगला है आपके सामने क्षेत्रफल।
अब देखिए हम लोग यहां से अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आ गया क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तो हमारे मन में आता सर ये तो रे, अच्छा अनुपात यहाँ पे आगे इसको काट के अलग करना है, ये गलती से टाइप हो गया। जब भी हमारे मन में क्षेत्रफल आता है तो यहां से आता है रेखागणित है। अब जब रेखागणित है, रेखागणित में क्या क्या पढ़ना है? रेखागणित में सबसे पहले भैया आकृतियों को पहचान, अगर आपने आकृतियों को पहचान ली, देखिए सिलेबस में लिखा होगा आकृतियों को पहचानना। और जब आकृति को पहचान लेंगे इसमें क्या आ जाएगा 2D और 3D, 2D और 3D हो गया। और जब 2D 3D आ गया तो भैया आगे चलो क्षेत्रफल की तरफ चलो। फिर इसमें जब 2D 3D में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, 3D में जाने वृत्त पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, और अगर 3D में चलेंगे घन घना गोला पिरामिड पढ़ेंगे। तो ये 2D और 3D हो गए। अब 2D की क्षेत्रफल पढ़ेंगे और 3D का हम क्या पढ़ेंगे आयतन पढ़ेंगे। माने यहाँ पे अपने आप आपको समझ में आ गया ये 3D है और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है 2D पढ़ना है। अब आपको अपने आप समझ में आ गया यहाँ पे 2D है। ये 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है, 3D का हमेशा आयतन निकलता है, माने आयतन होता है। तो तीन फलक होते हैं इसमें, क्षेत्रफल जो जिसके निकाले जाते हैं उनके दो ही फलक होते हैं। अब अनुपात देखिए ऊपर से आगे नीचे, यहाँ पर अनुपात की कोई भूमिका नहीं, तो ऊपर हम लोग अनुपात समानुपात सिलेबस में देख लिए थे। 2D 3D है, रेखागणित है, सामान्य सांख्यिकी भी है। अगर हम बात करें यहाँ पे सामान्य सांख्यिकी भी है। सामान्य सांख्यिकी के साथ साथ एक और अध्याय है जो आपको यहाँ पर अभी हिडन है, छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए सामान्य सांख्यिकी के भी सवाल पूछे जाते हैं। अब बारंबारता क्या है, बहुलक क्या है, माध्यमाधिका बहुलक के सवाल आजकल ट्रेंड में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, खूब झोला भर भर के आते हैं। उसके अलावा ग्राफ, ग्राफ चित्र, पाई चार्ट है, डंडारेख है, तो इस तरह से आजकल यहां से भी प्रश्न पूछने का खूब झोला भर भर के आते हैं। और उसके साथ साथ भी आपको गणित में अगर कोई असुविधा होती है तो आप हमसे पूछेगा, क्योंकि गणित की क्लासेस कल से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसकी वीडियो आपको लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से मिलती रहेंगी यूट्यूब पर और फेसबुक पर, जहां भी किसी प्लेटफॉर्म पे होंगे, क्योंकि मैं जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहूंगा, ताकि आप अपने अध्ययन अध्यापन के साथ डे बाय डे आगे बढ़े। ये सभी निःशुल्क क्लासेस आप सभी को लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध होगी, जो आपको पठन पाठन में काफी अहम और महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस क्लास को अपने साथी मित्रों तक साझा करेगा, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के लिए अपने पास कॉपी कलम और नोट्स बनाते चलेगा, ताकि खुद की गणित की नोट्स अगर आपके पास रहेगी जब आपकी परीक्षाएं आएंगी, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेपर में सवाल जैसे ही पूछे, क्योंकि किताबी भाषा होती है जो अलग होती है, परीक्षा की भाषा अलग होती है, और हम जब पढ़ाएंगे एकदम सरल और सामान्य भाषा में पढ़ाएंगे। अगर आपको गणित से डर लगता है, आपको गणित नहीं आती, तो आपके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जो भी साथ इस वीडियो को गणित से डर की वजह से देख रहे हैं वो देखते रहे, और अगर आप नोट संबंधित कोई जानकारी लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है, यहां से संबंधित ले सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़े रहिएगा। जब आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तभी तो आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक मिलती रहेगी। अगर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल है तो लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पे देखें तो पेज को फॉलो करिएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। कर भला तो हो भला, हो सकता है गणित अच्छी हो तो हो सकता है ये वीडियो किसी और काम में आ जाए, किसी का भला हो जाए इसे। तो इसलिए एक चीज तो ये करिएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर छोड़िएगा, ताकि हम और आप मिलकर एक सफलता की दहलीज तक पहुंचे। गणित उसमें आपके लिए रोड़ा ना बने। ये गणित सेशन लगभग 6 महीना 5 महीना भी चल सकता है, क्योंकि एक दिन में अगर एक लेक्चर अटेंड करेंगे तो एक अध्याय खत्म होने में 7 से 8 दिन 9 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, 10-10 लेक्चर भी हो सकते हैं, 15 भी लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन में हम एक टाइप के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है, टाइप है सवालों के, वो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होता चले। फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, फिलहाल आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर आपको लगता है कि गणित के अध्याय कहाँ से शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि हम पहले ज्योमेट्री शुरू करें या अर्थमेटिक शुरू करें या अलजेब्रा शुरू करें, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर आप अर्थमेटिक शुरू करें, परसेंटेज की सीरीज शुरू करें या संख्या पद्धति शुरू करें, ये भी आप कह सकते हैं, वहां से ही हम अपनी शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक साझा करिएगा, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा, और इसकी टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, और लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर SAT की 6 से 12 तक की सभी नोट्स आपको मिल जाएंगी। सभी नोट्स 6 से 12 हिंदी अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है, PDF फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, और आप यहां से इसे प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी बड़ा, लगभग 20 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन गणित की समझ को
बेहतर बनाने के लिए वीडियो है। यहाँ पे लगभग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, उसके अलावा हम कोशिश करेंगे एक बार सिलेबस को शॉर्ट में और जो थियरी पढ़ाने का, उसके बाद इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आते हैं उनको भी कवर करने का भी हम प्रयास करेंगे कि ना अपना साथ बनाए रखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, मुझे भी इस बात की खुशी मिलेगी। फिलहाल आप सभी का थैंक यू और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। गणित को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अपनी सीरीज पहुंचाते रहेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट की सेशन और सीरीज भी देते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।